हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे टाटा स्टील स्टॉक का। देखेंगे टाटा स्टील में हमको कल के दिन क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है। आज के दिन टाटा स्टील में हमको क्लोजिंग देखने मिल रहा है 135 रुपये के पास। ऑलमोस्ट देखेंगे तो स्टॉक हम लोग को ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेड करते हुए दिखा था, जो कि स्टॉक का ऊपर की तरफ रेंज था जो कि 136 रुपये का, और नीचे की तरफ स्टॉक का सपोर्ट था जो कि 135 रुपये का। लगभग देखें तो ऑलमोस्ट 1 रुपये के रेंज में स्टॉक का ट्रेड करते हुए दिखा, लेकिन प्रीवियसली एक अच्छा खासा स्टॉक में मोमेंटम देखने मिला। तो कल के दिन अगर स्टॉक में 136 रुपये के ऊपर कोई ब्रेकआउट देखने मिलता तो लगभग हम लोग को 140 रुपये तक का ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने मिल सकता है। ये हुआ 15 मिनट चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे स्टॉक का देखते हैं कि डेली चार्ट पे हम लोग को कहाँ तक मोमेंटम देखने मिलेगा कल के दिन स्टॉक में। पहले हम लोग डेली चार्ट पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक देखें तो नीचे की तरफ स्टॉक में एक सपोर्ट है डेली चार्ट पे जो कि 130 रुपये के पास है। तो जब तक स्टॉक 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है स्टॉक में जो कि 136 रुपये का। इस 6 रुपये के रेंज में स्टॉक ट्रेड करे तो ऑलमोस्ट हम लोग को स्टॉक में साइडवेज ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो ऊपर की तरफ मोमेंटम के लिए अगर एक बार स्टॉक में 136 रुपये के ऊपर कोई ब्रेकआउट देखने मिलता है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से पहला टारगेट होगा जो कि हम लोग का 140 रुपीज के पास होगा टाटा स्टील में, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से लगभग लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक ऑलमोस्ट हम लोग को 150 से लेकर 200 रुपीज तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक में तो आपको का स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि अराउंड 130 रुपीज के पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टॉक 130 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे स्टॉक 130 रुपीज़ के नीचे अगर निकलने का ट्राई करता है तो स्टॉक में देखें तो ये लास्ट स्विंग बना हुआ स्टॉक का वो ब्रेक हो जाएगा और नीचे की तरफ स्टॉक तेजी से गिरावट दिखा सकता है, जो कि स्टॉक में भी हम लोग को लोअर लो भी बनते हुए देख सकता है। तो कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो इस लेवल पर बिल्कुल कर सकता है, या फिर 1-2 रुपये नीचे की तरफ गिरावट है तो भी करेगा, क्योंकि टारगेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ा होने वाला है। लगभग 200 रुपये तक का टारगेट हम लोग को टाटा स्टील में देखने मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।